हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर किसी मजदूर को या फिर किसी कर्मचारी को अगर उसे वेतन नहीं मिलता है या समय पर वेतन नहीं मिलता है या फिर अगर उसे जो काम है उसके मुताबिक उसे वेतन नहीं दिया जाता है या फिर बिना कारण उसे निकाल दिया जाता है या किसी भी प्रकार का उसके साथ शोषण किया जाता है, तो अगर वो कंप्लेन दर्ज कराना चाहता है लेबर कोर्ट में, तो वो किस तरीके से शिकायत कर सकता है, उसके पास क्या ऑप्शन है और लेबर कोर्ट में शिकायत करने के लिए क्या प्रोसीजर, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लेबर कोर्ट में कंप्लेन करने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि लेबर यानी कि मजदूर किसे कहा जाता है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में सेक्शन 2S में मजदूर की डेफिनेशन यानी कि लेबर की डेफिनेशन दी गई है। उसमें यह कहा गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मजदूरी या फिर वेतन के बदले अपना जो शारीरिक कार्य करता है किसी भी उद्योग में, कुशल या फिर अकुशल या फिर तकनीकी या फिर क्लर्क या फिर सुपरवाइजर की तरह काम करता है, चाहे उसके काम की शर्तें स्पष्ट हो या फिर अंतर्निहित हो, उस व्यक्ति को मजदूर यानी कि लेबर कहा जाता है। अगर किसी लेबर को, अगर किसी मजदूर को या कर्मचारी को ठीक से वेतन नहीं मिलता है, टाइम पर वेतन नहीं मिलता है या फिर वेतन नहीं मिलता है या फिर बिना कारण उसे निकाल दिया जाता है, तो वो लेबर कोर्ट में जा सकता है। लेकिन वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में यह भी कहा है कि वो डायरेक्ट लेबर कोर्ट में नहीं जा सकता है, उसे एक प्रोसीजर फॉलो करनी होगी, उसके बाद ही वो लेबर कोर्ट में अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकता है। तो क्या है वो कंप्लेन, तो क्या है वो प्रोसीजर, इसके बारे में बात करें तो अगर आप किसी केंद्र सरकार से संबंधित प्राइवेट या फिर सरकारी कंपनी में जॉब करते हैं या काम करते हैं और अगर आपको इस तरीके का कंप्लेन है, वेतन नहीं दिया जा रहा है या फिर नौकरी से निकाल दिया जा रहा है या फिर किसी भी प्रकार की कंप्लेन है, तो आपको रीजनल लेबर कमिश्नर को कंप्लेन करनी होगी। और अगर इसी तरह से अगर आप कोई ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो कि राज्य सरकार से संबंधित हो, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, और उसमें इस तरीके की दिक्कत आती है, तो आप वो स्टेट लेबर कमिश्नर है उसे आपको कंप्लेन करनी होगी। अगर वहां पे मामला नहीं सुलझता है तो जो रीजनल लेबर कमिश्नर या फिर स्टेट लेबर कमिश्नर है वो लेबर कोर्ट को आपकी जो कंप्लेन है वो रेफर कर देगा। तो आपको इसके लिए क्या प्रोसेस करनी होगी, सबसे पहले आपको एक कोरे कागज में अपनी कंप्लेन लिखनी है, पूरी डिटेल लिखनी है कि आपके साथ क्या हुआ है, क्यों आप कंप्लेन दर्ज कराना चाहते हैं, क्या आपके साथ क्या अन्याय हुआ है, वो सारा एक सादे कागज पर लिखना है। इसके साथ ही आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी एविडेंस है, वो आपको इसमें अटैच करना है। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है या फिर किसी भी प्रकार का लेटर है तो भी आपको इसके साथ अटैच करना है। अगर आपके पास लेटर नहीं है तो आप दिक्कत थोड़ी हो सकती है, लेकिन फिर भी उसके लिए आपको आज के जमाने में तो सीसीटीवी फुटेज हर एक ऑफिस में होता है, तो आप वो भी मंगवा सकते हैं लेबर कमिश्नर से बात करके, रिक्वेस्ट करके, तो वो भी फुटेज से भी साबित हो सकता है कि आप वहां पे ही जॉब कर रहे थे, काम कर रहे थे, और रजिस्टर भी मंगवा सकते हैं या दूसरी जो भी एविडेंस है वो आपको अपनी कंप्लेन के साथ अटैच करना है। अब अगर आप अपनी कंप्लेन रीजनल लेबर कमिश्नर या फिर लेबर कमिश्नर को देते हैं, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपकी जो संबंधित जो कंपनी है उसे नोटिस जाता है और उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है वो आता है, और आपको भी एक डेट दी जाती है कि इस तारीख को आपकी जो सुनवाई है वो लेबर कमिश्नर या फिर रीजनल लेबर कमिश्नर के द्वारा की जाएगी। फिर रीजनल लेबर कमिश्नर और लेबर कमिश्नर दोनों जो है, दोनों के पक्ष है, दोनों पक्ष को सुनते हैं और बातचीत से इस मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि अगर यहीं पे मामला सुलझ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वो इस मामले को लेबर कोर्ट में रेफर कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका जो मामला है, आपकी जो कंप्लेन है वो लेबर कोर्ट में इस तरीके से जाती है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपने कंप्लेन दर्ज करा दी और 30 दिन के बाद भी 45 डेज हो गए
लेकिन जो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव वो ठीक से आंसर नहीं दे रखा है और मामले को लिंगरिंग कर रहा है, जानबूझ के डिले कर रहा है, तो आप लेबर कमिश्नर या फिर रीजनल लेबर कमिश्नर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर ये कंपनी जानबूझ के इस मामले को डिले कर रही है, तो कृपया आप इस मामले को लेबर कोर्ट में रेफर कर दीजिए, तो वो आपका जो केस है, कंप्लेन है, उसे लेबर कोर्ट में रेफर कर देते हैं। तो ये प्रोसेस है कि अगर आपके साथ कोई अन्याय होता है, आपको कोई कंप्लेन है अपनी कंपनी से, फैक्ट्री से, और आपको वेतन नहीं दिया जाता है, या फिर आपको बिना कारण नोटिस निकाल दिया जाता है, या किसी भी प्रकार की अगर आपको कंप्लेन है, तो आपको, अगर आपकी जो कंपनी है वो केंद्र सरकार से संबंधित है तो रीजनल लेबर कमिश्नर को, और अगर राज्य सरकार से संबंधित है तो स्टेट लेबर कमिश्नर को आपको कंप्लेन करनी है। दूसरी बात आपको मैं बताऊं कि अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आपके पास ना तो कोई अपॉइंटमेंट लेटर है, ना ही आपके पास कोई ऐसा कागज है कि आप ये साबित करेंगे कि आप वहां पर जॉब कर रहे थे, तो आपको एक लीगल नोटिस आपको कंपनी को भेजना है कि मैं ये हूं, मेरी पोस्ट ये थी, आपने इस काम के लिए मुझे रखा था, इतने दिन मैंने काम किया है, लेकिन आपने अभी तक मेरा जो पैसा है या फिर मुझे निकाल दिया है, तो मेरा जो इतना सैलरी बनता है वो आपने नहीं दिया है, तो कृपया आप मुझे ये दे दीजिए, अदरवाइज मैं लीगल एक्शन लूंगा। तो 90% केस में तो क्या होता है कि कंपनी को पता ही होता है कि आपको रखा था तो देना ही है, तो 90% केस में तो दे भी देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ईगो पे ले लेते हैं तो नहीं भी देते हैं, तो फिर वो क्या रिप्लाई करते हैं उस पर डिपेंड होता है, रिप्लाई करते हैं या फिर नहीं करते उस पर भी डिपेंड होता है। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं, फिर आप अटेंडेंस के लिए लेबर कमिश्नर से आप जब आपकी कंप्लेन दर्ज कराते हैं तो वहां की अटेंडेंस मंगवाने के लिए कह सकते हैं, वहां के सीसीटीवी फुटेज मंगवाने के लिए कह सकते हैं, ताकि आप जहां पे काम कर रहे थे आपका जो एविडेंस है वो आप साबित कर सके। अगर आपके पास टेम्पररी या फिर परमानेंट आई कार्ड भी दिया है तो वो भी आप उसमें अटैच कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई दिक्कत होती है, आपको कोई कंप्लेन होती है अपनी कंपनी से, अपने फैक्ट्री से, तो अगर आपकी जो कंपनी है जो रीजनल लेबर कमिश्नर, अगर केंद्र सरकार के अधीन आती है तो रीजनल लेबर कमिश्नर को कंप्लेन करनी है, और अगर राज्य सरकार से संबंधित है तो फिर आपको स्टेट लेबर कमिश्नर को कंप्लेन करनी है, चाहे वो कंपनी प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट। तो दोस्तों कैसी लगी इंफॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।